हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी मशीनें हैं, कौन कौन सी रूम्स हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ से इंटर करती हूँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट OPD में, एंड यहाँ पर है पैराफिन वैक्स का ये रूम है, और इधर हमारे टीचर बैठे हैं, एंड देन यहाँ पर है शॉर्ट वेव डायथर्मी की मशीन रखी हुई है। ये शॉर्ट वेव डायथर्मी के लिए रूम है। यहाँ पे मैं लाइट्स ऑन कर दूँगी एंड देन आपको सही से दिखेगा साफ। और ये है शॉर्ट वेव डायथर्मी की मशीन। ये ज़्यादातर लो बैक पेन, शोल्डर्स के लिए दी जाती है, एंड ये इलेक्ट्रोड्स हैं इसके। ओके, एंड देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। और इधर हम आते हैं, यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं पेशेंट्स के लिए, और इधर मेरे कुछ फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। एंड देन इधर हम नेक्स्ट रूम की तरफ आते हैं, तो यहाँ भी शॉर्ट वेव डायथर्मी की मशीन है। ये नेक्स्ट रूम है, यहाँ पे भी शॉर्ट वेव डायथर्मी रखी हुई है। एक्चुअली शॉर्ट वेव डायथर्मी के लिए दो रूम्स हैं। और फिर यहाँ से हम मूव करते हैं, से पहले तो आप देख ही चुके हैं वो मशीन। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। ये हमारा है अल्ट्रासाउंड थेरेपी एंड IFT के लिए। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, एक्चुअली पोस्टिंग का टाइम था तो सब लोग यहाँ पे थे। एंड इधर आते हैं, हाँ तो ये है हमारी कंबाइन मशीन है। यहाँ से हम IFT और अल्ट्रासाउंड दोनों हैं दोनों दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हैं एंड देख सकते हैं कंबाइन थेरेपी यूनिट है। एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एंड देन स्टार्टेड। और उसके बाद हम ये पुरानी मशीन है अल्ट्रासाउंड की, ये भी अल्ट्रासाउंड की मशीन है लेकिन ये पुरानी है, और वो कंबाइन मशीन है। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड और IFT दोनों दोनों एक ही मशीन में है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। और यहाँ पे बहुत लोग खड़े थे यार। ओके, तो हम नेक्स्ट कहूँगे। हाँ, ये टिल्ट टेबल है, और यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे है तो कुछ भी नहीं, बस टेबल रखी हुई है एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आई थिंक यहाँ पे कोई पेशेंट भी नहीं आता है। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। और एक्चुअली मैंने ये वीडियो सुबह में बनाई थी तो इतने पेशेंट्स भी नहीं थे। ओके, एंड इधर है ट्रैक्शन टेबल, और यहाँ पे हम अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं सारे, तो आइए देखते हैं अंदर है आपका। ट्रैक्शन टेबल रखी हुई थी यहाँ पे, और ये मशीन है। एंड देन फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। एक्चुअली ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो डैम श्योर की गलतियाँ तो बहुत हुई होंगी। प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट रूम की तरफ, और ये है कार्डियोपल्मोनरी लैब। देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो यहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी पेशेंट्स के लिए कुछ मशीनें हैं। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं वीडियो कैसी बनाऊँ, तो इसलिए मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। बट या मैं कोशिश करूँगी, आई ट्राई माई बेस्ट। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसे अच्छी तरीके से बना सकूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। और ओके, देन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड देन हम मूव करते हैं डेमो रूम की तरफ। एक्चुअली ये रूम हमारे लिए एक थोड़ा सा रेस्ट रूम की तरह काम करता है, कि हम यहीं पे आके बैठते हैं, क्योंकि हमको बाहर बैठने की इजाज़त नहीं होती है। बाहर पेशेंट्स बैठ सकते हैं सिर्फ, तो हम यहाँ पे बैग रख देते हैं। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। अब कौन सा रूम है? हाँ, एक्चुअली ये न्यूरो रिहैब लैब है। अब यहाँ पे जिम बॉल रखी हुई है, और इस साइड में मैट्रेस पड़ी हुई है। न्यूरो के पेशेंट्स आते हैं, CP
पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं तो उनको उनके लिए ये है, और इधर जिम बॉल है बहुत सारी एक्सरसाइजेस के लिए, इधर हर साइज़ की जिम बॉल रखी हुई है। ओके एंड इधर मैट्रेस पड़ा हुआ है, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। ओके एक्चुअली डोर बंद करके जाना है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके नेक्स्ट हमारा अट्रैक्शन बेड है, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। एक्चुअली इससे पहले मैं भी नहीं आई हूँ यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन बेड पड़ा हुआ है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आई थिंक यहाँ पे पेशेंट्स भी नहीं आते इधर। ओके देन नेक्स्ट रूम है, इधर है रिसर्च स्कॉलर CPM अपर लिम एंड CPM लोअर लिम एंड कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट। ओके तो रूम खोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये रिसर्च के लिए ही है सेफ रूम, और यहाँ पे कोई आता। इधर है IRR, और फिर आगे चलते हैं, और हमारा लास्ट और मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम है, ये एक्सरसाइज का रूम है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूम है, सबसे ज़्यादा मेन रूम है ये, यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। इधर ये बड़ा सा रूम है, और ये शोल्डर व्हील है शोल्डर एक्सरसाइज के लिए। ओके एक्चुअली ये सर्कमडक्शन में घूमती है और शोल्डर एक्सरसाइजेस के लिए होती है, और ये आता है हमारा सुपीनेशन और प्रोनेशन एक्सरसाइजेस के। ये फिंगर लैडर है, ये शोल्डर के एक्सरसाइजेस के लिए है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है शोल्डर पेन में। और नेक्स्ट है ये पुली है, और पुलीज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं हम ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की फुल वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके थैंक यू सो मच।